दर्शकों इस वक्त हमारे समक्ष ईश्वरदास एंड सन्स के संचालक श्री चतुर्भुज बालानी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो क्रैकर्स के अभी जो दुकान सज गए, अभी चंद दिनों में दिवाली है, तो आप इस दिवाली के मौके पे जो फटाके का जो सेल करने वाले, तो सेल में क्या उठा है उस बारे में? इस साल कोरोना की वजह से लोगों में उत्साह कम है और लोगों का परचेजिंग पावर भी कम है, उस वजह से व्यापार 50% पे आ गया है। हमें उम्मीद है आगे लोगों को जैसे जैसे वेतन मिलेगा और बोनस मिलेगा तो उसमें कुछ गिरायकी बढ़ने की संभावना है। सरकार ने जो क्रैकर्स की जो दुकानें जो कुछ चौराहे पे मेन रोड पे है, हर साल की तुलना में इस साल भी थोड़ा सा उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे हुए, उसका असर आपके होलसेल व्यापार से गिरेगा क्या? क्रैकर्स उसका फर्क तो पड़ेगा, उसका फर्क पड़ेगा। अभी भी लोगों में कोरोना का संक्रमण है, लोग गांव से बाहर नहीं आ रहे परचेस करने के लिए, तो उसका भी इफेक्ट गिर रहा है कि आपके व्यापार का भी काफी असर है हमारे व्यापार पर। व्यापार कम हो गया है पहले की अपेक्षा, जो गांव से लोग आते थे वो अभी अपने गांव में ही थोड़ी बहुत खरीदी करके अपने मन को खुश कर रहे हैं। 22 मार्च से जब लॉकडाउन लगा तब से देखा गया कि होटल इंडस्ट्री बंद है, टोटल लॉन और शादी के भी कार्यक्रम बंद है, और ऐसी जगह जहां आपके क्रैकर्स की डिमांड रहती थी तो वो भी उसका आपकी डिमांड भी कम हो गई, एक तरह से मंदी का वातावरण है, तो आपको कितना लॉस हुआ? उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। शादी ब्याह में जो हमारा व्यापार रहता है वो जीरो हो गया पूरा, क्योंकि शादियाँ हुई नहीं बराबर और लोगों ने बराते निकाली नहीं, इसी वजह से वो जो व्यापार होता है हमारा वो पूरा जीरो हो गया। उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। व्यापार नहीं होने के बावजूद भी आपके वर्कर्स को आपको सैलरी देना पड़ा, हर तरह के आपके टैक्सेस लगे, इलेक्ट्रिक बिल लगा हुआ है, वाटर टैक्सेस लगा हुआ है, वो तो सब आप अपने तरफ से बेयर कर रहे हैं पूरा का पूरा। सरकार की तरफ से कोई आर्थिक पैकेज की आपकी डिमांड पूरी हुई क्या? हमने कोई डिमांड नहीं की है, पर ये सरकार का भी कर्तव्य है कि हम जैसे जो टैक्स भरते हैं, सही ढंग से टैक्स भर रहे हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ इन चीज़ों में सहूलियत देना चाहिए और मदद करना चाहिए। क्रैकर एसोसिएशन की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला? क्रैकर एसोसिएशन है जो आपके पटाखे की जो संस्था, हाँ, ये है एसोसिएशन, उसकी तरफ से आपको कुछ मदद मिली है क्या? नहीं, मदद हम लोगों ने किसी से अपने संस्था से मांगी नहीं, पर संस्था का मनोबल ऊंचा था, आपस में एक दूसरे का मनोबल बढ़ा के ही हम आज चल रहे हैं। अभी चंद ही दिनों में फेस्टिवल सीजन है, तो आप किस नज़र से देख रहे हैं, ग्राहकी कैसी रहेंगी? गिराएगी, अच्छी रहने की संभावना है आगे, पर व्यापार तो ऑलरेडी 50% पे आ चुका है। लेकिन जो 5 से 6 महीने आपका जो लॉस हुआ व्यापार में, इसको मेक ओवर करने में ये सीजन पूरा कारगर होगा या नहीं? नहीं नहीं, इसको मेक ओवर करने में कम से कम 1.5-2 साल लगेंगे, इतना जल्दी ये मेक ओवर नहीं होगा, कम से कम 1.5-2 साल लगेंगे अगर परिस्थितियाँ सब सामान्य रही तो।